अभी समय समय की प्रतिक्रियाओं पर नजरें टिकी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी रणनीतियों को मजबूत करते हैं और वो किस किस से मुलाकात कर रहे हैं, इस पर नजरें टिकी। अब उनकी मुलाकात जिस शख्सियत से हुई है, वो शख्सियत एक विवादित शख्सियत है, जो कि आप बोल सकते हैं कि उनको ढूंढा जा रहा है और उनको फरार करार दे दिया गया है। जहां मैं बात कर रही हूँ अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी से मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की और उसके बाद से ही वो चर्चा में आ गए हैं। अखिलेश यादव पर इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसे शख्स से मुलाकात क्यों की जो कि फरार बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अब्बास अंसारी से मुलाकात करके फंस गए। हालांकि मुख्तार अंसारी ने जो ट्वीट किया है अपने ट्विटर में, उन्होंने वहां लिखा है कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव को। लेकिन वही सवाल ये उठता है कि जिनको इतने समय से पुलिस तलाश रही है, वो अचानक अखिलेश यादव की आवाज पर पहुंचते हैं और अखिलेश यादव को उसकी भनक नहीं होती कि ये तो फरार है, तो ये मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं। और ना ही उन्होंने इन सवालों पर सोचने का यहाँ पर जिम्मा उठाया कि आगे जाकर, क्योंकि अभी इस वक्त परिस्थिति गंभीर है, अभी इस वक्त परिस्थिति बहुत नाजुक है, अगर अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठते हैं तो उनकी पार्टी पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अब्बास अंसारी से मुलाकात करके अखिलेश यादव फंस गए हैं, ये कहा जा रहा है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।